हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए टेस्टिंग यूजिंग सो ट्यूटोरियल दिस इज़ ए क्रैश कोर्स फॉर ए टेस्टिंग इस सेशन में हम बेसिक ए टेस्टिंग सीखेंगे बाय यूजिंग सो इस सेशन में मैं कवर करूँगा हाउ वी कैन स्टार्ट ए टेस्टिंग यूजिंग सो व्हाट ऑल द बेसिक ऑपरेशन्स वी कैन परफॉर्म यहाँ पर हम चार टाइप के रिक्वेस्ट करेंगे गेट पोस्ट फुट एंड डिलीट आगे हम यह भी कवर करेंगे कि इन रिक्वेस्ट का मतलब क्या है तो वी विल स्टार्ट विद वट ऑल द प्री रिक्विज वी आर हैविंग बिफोर स्टार्टिंग द ए पी आई टेस्टिंग तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर हमें एपीआई टेस्टिंग करनी है तो उससे पहले हमारी क्या प्री रिक्विज हैं देन हम लोग कवर करेंगे हाउ टू राइट सीनेरियोज देन हम लोग कवर करेंगे कैसे सोपीआई को सेटअप करें on Windows machine. उसके बाद what all the common method we are having. तो इनमें आ जाता है हमारा get, post, put, delete. फिर हम practically move करेंगे और देखेंगे how to make a get request, post request, put request, delete request. So ये हमें cover करना है. At the end, how to save and execute our cases. साथ में हम लोग देखेंगे कैसे हम assertions या verification add करते हैं. ये हमारा ओवरऑल कोर्स एजेंडा है इस सेशन के लिए इस कोर्स को एंड तक देखें बिकॉज यहां पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस कोर्स के बाद आप लोग रेडी होंगे किसी भी एपीआई को टेस्ट करने के लिए अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड या कोई भी अदर टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं विच इजी डॉट मी टेस्टिंग वर्ल्ड जॉब्स तो यहां पर आपको बहुत सारी जॉब्स मिलेंगी ये ग्रुप हमने स्पेशली सॉफ्टवेयर टेस्टर्स के लिए बनाया है जहां पर आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन टू द ट्रेनर और अदर कम्युनिटी मेंबर्स वी कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज हम जॉब सपोर्ट ले सकते हैं जॉब सपोर्ट मीन्स अगर आप काम करते हुए कहीं स्टक हो जाते हो तो यू कैन आस्क क्वेश्चन अदर पीपल विल रिप्लाई और मे बी ट्रेनर विल रिप्लाई आस्क लाइव क्वेश्चन ट्रेनर वी हैव मेनी एक्टिव ऑन दिस ग्रुप

एपीआई टेस्टिंग करने से पहले हमें क्या क्या चीजें चाहिए तो अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं आप एक वेब बेस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो एग्जाम्पल है डब्ल्यू 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 एप्लीकेशन डॉट कॉम इट्स सिंपली वेब बेस एप्लीकेशन और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस वेब वेब बेस एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है तो व्हाट ऑल थिंग्स वी आर रिक्वायर्ड अगर मैं वेब बेस एप्लीकेशन के केस में देखूं, तो सबसे पहले हमें अपनी एप्लीकेशन का यू चाहिए तो मैं इसे ऐसा कह सकता हूं कि आपको टेस्टिंग करने से पहले बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वेबेस एप्लीकेशन यू नीड योर एप्लीकेशन यू यू नीड एप्लीकेशन क्रिडेंशियल तो अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल एंटर कर सकते हो तो यू नीड क्रिडेंशियल्स द सेम वे आपको पता होना चाहिए ऑल द रिक्वायरमेंट तो मैं ये कह सकता हूं वी नीड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से ही हम समझ पाएंगे कि हमें क्या टेस्ट करना है और क्या क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है जैसे आपने देखा कि हमें वेबेस एप्लीकेशन में भी प्री रिक्विजिट्स हैं वो क्या है एप्लीकेशन यू आर एल क्रिडेंशियल एंड डॉक्यूमेंट इन द सेम वे अगर हम एपीआई टेस्टिंग करने जाते हैं तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं एपीआई टेस्टिंग तो एपीआई टेस्टिंग में भी हमें कुछ ऐसे ही प्री रिक्विजिट होती हैं मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट सेम प्री प्रस होती हैं पहली चीज होती है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्योंकि अगेन अगर आप एपीआई टेस्टिंग करने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि एपीआई क्यों बनाई गई है वट इज द आउटकम ऑफ द एपीआई किस टाइप की रिक्वेस्ट वो मांगेगी किस टाइप का रिस्पॉन्स हमें चाहिए हमें मिलेगा तो एवरीथिंग एंड व्हाई वी आर डेवलपिंग दिस एपीआई दो एपीआई या दो से ज्यादा एपीआई आपस में कैसे लिंक होंगी ये सारी चीजें हम लोग समझ पाएंगे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से मैं एक सिंपली एग्जांपल लेता हूं इस चीज के लिए हम लोगों की सैंपल एपीआईज हैं जो हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए डिप्लॉय कराई हुई है तो अगर आप देखो तो ये मेरी एपीआई है जिसमें हम लोगों ने ये मेरा एक एपीआई डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारी एपीआई हैं जो हमने यहां पर डिप्लॉय की हुई है और यह एप्लीकेशन मेरे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है मतलब अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो मैं इस एपीआई को यूज करके उस स्टूडेंट का डेटा अपने सिस्टम में एंट्री कर सकता हूं इसके थ्रू मैं डेटा फेच कर सकता हूं अपडेट कर सकता हूं डिलीट कर सकता हूं बट अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक स्टूडेंट मैनेजमेंट का एंड टू एंड सिनेरियो टेस्ट करना है जिसमें एक स्टूडेंट ऐड होगा डिलीट होगा अपडेट होगा उसका डेटा फेच करके देखना है तो इसके लिए पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट ऑल द द रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय क्लाइंट क्लाइंट जो ने दी होंगी वो आप समझोगे अकॉर्डिंगली यू कैन डू एपीआई टेस्टिंग तो अब मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जैसे हमारा वेब वेबलेज एप्लीकेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए जिस क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी इन द सेम वे एपीआई टेस्टिंग के लिए भी हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट चाहिए और इसी के थ्रू हम एनालाइज कर पाएंगे कि हमारी कौन कौन सी एपीआई बनेंगी क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे तो बहुत सारी एपीआई बनवा रखी है टेस्टिंग पर्प ओनली इन द सेम वे तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सी एपीआई बनेंगी वो आपस में कैसे लिंक होंगी उनकी क्या रिक्वायरमेंट है ये हमें इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से पता लगेगा तो दैट इज अ फर्स्ट रिक्वायरमेंट और आई एल से प्री रिक्वेजिट जब हम एपीआई टेस्टिंग के लिए जाएंगे सेकेंड अब हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है नेक्स्ट एपीआई टेस्टिंग करने के लिए जितनी भी एपीआई बनाई जाएंगी और वो डिप्लॉय की जाएंगी तो उनका एक यूआरएल होता है हर एपीआई का एक यूआरएल होता है यू कैन कॉल इट यू हम इसे यूआरआई भी बोलते हैं और हम इसे एंड पॉइंट भी बोलते हैं तो अब हमें जब भी एपीआई टेस्टिंग करनी है उसका यू या यू या एंड पॉइंट हमें पता होना चाहिए तो सेकेंड रिक्वायरमेंट इज दैट वी मस्ट हैव दिस और एंड पॉइंट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये हमें कैसे पता लगेगा एक्चुअली अगर आप सिंपल वेबिस एप्लीकेशन में देखो तो ये यू आर एल डिप्लॉय जब आप जब आपकी एप्लीकेशन किसी सर्वर पर डिप्लॉय होती है तो नॉर्मली यू गेट दिस यू आर एल आपको डेवलपर से मिल सकता है या आपको अपने लीड से मिल सकता है या आपको हो सकता है मैनेजर फॉरवर्ड करे ई तो किसी भी केस में आपको ये चाहिए तभी आप टेस्टिंग स्टार्ट करोगे इन द सेम वे एपीआई टेस्टिंग में भी हमें हमारा यू जिसे हम यू या एंड पॉइंट भी बोलते हैं वो हमें चाहिए ओनली आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट एपीआई टेस्टिंग थर्ड पॉइंट पे आता हूं क्रोडेंशियल्स कुछ एपीआई ऐसी होती है जिनमें क्रोडेंशियल डालने की जरूरत नहीं है लेकिन बहुत सारी एपीआई ऐसी हैं जिसमें हमें क्रेडेंशियल डालने पड़ते हैं यूजर नेम पासवर्ड पास करना पड़ता है या एक टोकन का कंसेप्ट आएगा वो हमें टोकन पास करना पड़ता है तो ये जो क्रेडेंशियल्स हैं ये हमें चाहिए ताकि हम लोग उन्हें यूज कर पाए वाइल्ड डूइंग एपीआई टेस्टिंग तो ये हमें क्रेडेंशियल भी चाहिए नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट हमें चाहिए रिक्वेस्ट एंड समवेयर हमें चाहिए रिस्पॉन्स का फॉर्मेट फॉर्मेट नाउ दिस इज द चेंज विच वी आर गोइंग टू गेट ये चेंज है एक सिंपल वेब बेस्ड एप्लीकेशन टेस्टिंग से लेकिन ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स फॉर्मेट का मतलब क्या है मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं मेरी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और मैं आपसे बोलता हूं इसकी टेस्टिंग कर दी कर दो तो अगर आप एक वेब बेस एप्लीकेशन की टेस्टिंग करने जाओगे तो आपको पता है अगर मैं बोलता हूं रजिस्ट्रेशन फंक्शनिटी की टेस्टिंग करनी है तो आपको पता है दैट्स माय रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप इसमें सिंपली डेटा फिल कर सकते हो एंड आफ्टर फिलिंग द द डेटा यू कैन टेस्ट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज बट इन केस ऑफ द एपीआई हमें कोई फ्रंट एंड नहीं मिलेगा हमारी एप्लीकेशन एपीआई का कोई फ्रंट एंड नहीं होता हमें एपीआई के केस में डेटा सेंड करना पड़ता है डिफरेंट फॉर्मेट तो वो फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं अगर हमारे पास रेस्ट हम एपीआई है, मतलब है हमें जो रिक्वेस्ट सेंड करनी है दैट विल बी देशन और जो हम पे रिस्पॉन्स आएगा वो भी जेसन में होगा तो हमें यह पता लग गया जेसन फॉर्मेट में रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होंगे बट इस रिक्वेस्ट में हमें क्या क्या डेटा सेंड करना है क्या क्या डेटा मतलब इसका मतलब सिंपली यह है कि अगर आप एक जेसन फॉर्मेट लिखते हो तो आपको पता है कि इनपुट में आपको क्या क्या फील्ड्स देने हैं जैसे वेब बेस एप्लीकेशन में आपको पता है कि आपको फर्स्ट नेम डालना है आपको ईमेल आईडी डालनी है आपको पासवर्ड डालना है आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है बट आर वी अवेयर कि जब हम एक कोई एपीआई टेस्ट करेंगे तो उसका इनपुट फॉर्मेट क्या होगा उसमें क्या क्या फील्ड्स जाएंगे कौन से फील्ड्स मैंडेटरी है डू यू नो दैट

कि अगर मुझे एक स्टूडेंट ऐड करना है अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट डिटेल्स ऐड करने के लिए ये वाली एपीआई है मैं इस पर जाता हूं सिंपली तो आप देखो यहां पर हमें यू भी एक मिल रहा है कि दैट इज कैसे बनाया जाता है आई आल शो यू और अगर आप थोड़ा सा स्ट्रॉल डाउन करोगे तो इट विल शो सैंपल रिक्वेस्ट मतलब आपको पता है कि यह मेरा इनपुट फॉर्मेट होने वाला है जिसमें मैं अपना डेटा फिल करके सेंड करूंगा तो आई शो यू हाउ टू फिल डेटा कैसे हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे बट यहां हमें समझ में आता है क्या यस वी नीड रिक्वेस्ट फॉर्मेट और अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल गेट कि अगर आपने रिक्वेस्ट जब आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो किस फॉर्मेट में आपका रिस्पॉन्स आएगा तो ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट हमें पता होने चाहिए इवन हम लोग वैलिडेट भी करेंगे कि अगर मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो करेक्ट फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं तो ये भी हमारा ही काम है कि हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्मेट को वैलिडेट करें बट अगेन एपीआई टेस्टिंग में ये हमारे लिए मस्ट है कि हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर्मेट हो इवन अगर वो रिस्पॉन्स फॉर्मेट नहीं भी देते तो चलेगा बट रिक्वेस्ट फॉर्मेट तो होना ही चाहिए तो अब हमें समझ में आता है कि जब भी हम एपीआई टेस्टिंग करने जाएंगे हमें ये चार चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं हमें चाहिए ओनली आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट एपीआई टेस्टिंग श्योर नाउ यू आर अवेयर कि अगर मुझे एक एपीआई टेस्टिंग करनी है तो उसकी प्री रिक्विजिट क्या होगी तो वट वी नीड बिफोर स्टार्टिंग एपीआई टेस्टिंग हम लोग कवर कर चुके हैं ओके नाउ कम्स टू हाउ टू राइट एपीआई तो मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूं अगर हम अपने इस पेज को फॉलो करें और यहां पर देखें तो अलग अलग टास्क करने के लिए अलग अलग एपीआई बनी हुई है जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ अगर मेरे को एक स्टूडेंट ऐड करना है, तो उसके लिए मेरी एक पोस्ट एपीआई है ये उसका यूआरएल होगा। Then अगर अपडेट तो तो करनी है डिलीट uh, करनी, करनी है तो ये एपीआई है नाउ द क्वेश्चन को करेंगे? Means, मैं पहला एक टेस्ट केस बनाऊंगा जिसमें एड करके देखूंगा फिर मैं एक दूसरा टेस्ट केस बनाऊं जिसमें मैं स्टूडेंट्स को उसका केवल डेटा फेच करके देखूं विल जस्ट बी अप्रोच क्या ये अप्रोच होना चाहिए अच्छा चलो इस चीज को हम अपने वेब बेस एप्लीकेशन से कंपेयर करते हैं अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे इस एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है और आपसे मैंने बोला क्या राइट द सिनेरियोस मेरे टेस्ट केस हो सकते हैं क्या मैं एक रजिस्ट्रेशन का टेस्ट केस लिखूं बट अगर आपसे मैं कहता हूं एंड एंड टू सिनेरियो टेस्ट करो तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हम लोग पहले रजिस्टर करेंगे फिर उन क्रेडेंशियल से हम लॉग इन करके देखेंगे और उन्हींशियल जब हम लॉग इन हो जाएंगे तो हम लॉग आउट करके देखेंगे तो दैट इज माई वन एंड टू एंड सिनेरियो अदर सिनेरियो कुड बी मैं रजिस्टर करता हूं उन क्रेडेंशियो से लॉग इन करता हूं फिर मैं अपनी प्रोफाइल को अपडेट करता हूं एंड जस्ट लॉग आउट That is my second scenario. तो इस तरीके से जब हम वेबेस एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बनते हैं इन द सेम वे जब हम API टेस्टिंग करेंगे तो भी हमें अपने लिखने होंगे नाउ द क्वेश्चन कम्स क्या ये सीनैरियो हम प्रॉपर एक्सेल में किसी फॉर्मेट में लिखेंगे आंसर इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू अगर आप चाहो तो अपने सारे सिनेरियोज आप प्रॉपरली एक्सल फॉर्मेट में लिख सकते हो बहुत सारे केसेस में वी कैन सिंपली राइट इन ए नोट पैड एज वेल हम एक सिंपल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं मेरा सिनेरियो वन है क्या आई एड अ न्यू स्टूडेंट मैं स्टूडेंट को एड करने के बाद वेरीफाई एडेड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन दैट इज माय वन सिनेरियो मैं ये कह सकता हूं एक छोटा सा सिनेरियो है जिसमें मैंने दो रिक्वेस्ट को यूज करूंगा एक स्टूडेंट को ऐड करना और उसकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना तो स्टूडेंट को ऐड करने के लिए एक एपीआई है उसकी इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए एक दूसरी एपीआई है इन द सेम वे मैंने कहा मेरे एक सेकेंड सिनेरियो है जिसमें मैं एक स्टूडेंट को एड स्टूडेंट ओके फिर उसके बाद मैं उसकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करूंगा अपडेट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मतलब मैं एक दूसरी एपीआई यूज करूंगा नाउ वेरीफाई अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन मैंने अपडेट की है आई वेरीफाई दैट दैट इज माई सेकेंड सिनेरियो तो उसके बाद आई कैन राइट मोर सिनेरियोस रिलेटेड टू द एड्रेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टेक्निकल इंफॉर्मेशन तो हमें ये सीनेरियोज लिखने पड़ेंगे समझने पड़ेंगे अगेन अगर आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपने ठीक से पढ़ा है इफ यू आर क्लियर अबाउट द रिक्वायरमेंट देन यू कैन राइट इन का मेरी एपीआई टेस्टिंग से रिलेशन नहीं है बिकॉज हम जब वेब बेस्ड एप्लीकेशन टेस्टिंग करते हैं तो भी हम ये लिखते हैं तो एपीआई टेस्टिंग में भी उसी तरीके से सिनेरियोज लिखे जाते हैं बट एपीआई टेस्टिंग में नॉर्मली हम टेस्ट केस नहीं लिखते टेस्ट केस मीन जैसे आपने देखा होगा जब हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन की टेस्टिंग करेंगे या किसी और एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग एक फॉर्मेटेड वे में अपने टेस्ट केसेस लिखते हैं नॉर्मली इन एक्सेल बट यहां पर हम लोग अपने टेस्ट केसेस एक्सेल में नहीं लिखते क्योंकि यहां पर आपके पास कोई फ्रंट एंड नहीं है यहां पर आपके पास कोई स्टेप्स नहीं है स्टेप्स मींस यहां पर आप आप ऐसा नहीं बताओगे कि आप लॉग इन पेज पे जाओ फिर यूजर नेम डालो फिर पासवर्ड डालो बिकॉज हमारे पास यहां पर फ्रंट एंड है ही नहीं हमें एपीआई टेस्टिंग करनी है जिसमें हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एंड विल गेट द रिस्पॉन्स तो अब हमें क्लियर हुआ कि एपीए टेस्टिंग करने से पहले हमें ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हमें हमें पहले अपनी रिक्वायरमेंट समझनी है और व्हाट ऑल द रिक्वेस्ट वी आर हैविंग जिसमें हमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है हमारी रिक्वेस्ट फॉर्मेट है हमारा यूआरएल है हमारे क्रेडेंशियल्स हैं और फिर हमने देखा कि हम सीनैरियोज लिखेंगे अब मैं नेक्स्ट आता हूँ हाउ टू सेटअप ओके सो मैं यहाँ पर अब सेटअप करूंगा सोप यू आई को जिसके लिए आई एम जस्ट मूविंग टू ब्राउजर यहाँ पर आई एम जस्ट राइटिंग डाउनलोड लोड सोप यू आई सोप यू आई के दो वर्जन से मार्केट में वन इज फ्री वर्जन एंड अदर वन इज प्रो वर्जन मीन्स पेड वर्जन हमें जो यूज करना है दैट विल बी फ्री वर्जन तो मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ दैट्स ए

कुछ भी चीज चेंज नहीं करनी है ये डाउनलोड हो गया आई एल जस्ट स्टार्टिंग इंस्टॉलर सो इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट 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 सो अगर आप देखेंगे आई एम नॉट चेंजिंग एनीथिंग हम लोग केवल नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश कर देंगे तो ये डिफॉल्ट लोकेशन पे इंस्टॉल होगा वी नीड नो टू चेंज इट एक बार ये इंस्टॉल हो जाए देन आल शो यू हाउ यू कैन वर्क ऑन इट यहाँ पर इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो गया मैंने मुझे रिलीज नोट नहीं देखने हैं आई जस्ट वॉन्ट टू रन सोप यू वाई सो मैंने इस चेक को ऑन किया जस्ट रन दोप यू वाई सो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हाउ टू सेटअप

क्या इस फॉर्म में आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो तो इस फॉर्म के अंदर ऑपरेशन हो सकता है क्या मैं एक नया इस नया रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं यू कैन डू ओनली वन टास्क ऑफ ऑफ न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बट अगर मैं आपसे बोलूं क्या क्या आप एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर की वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो आंसर इज नो आप यहां से नहीं कर पाओगे कहीं और वो फंक्शनैलिटी हो सकती है इन द सेम वे बहुत बार ऐसा होता है मैं आपसे बोलता हूं कि एक ऑलरेडी मेरे पास एक मेंबर रजिस्टर है क्या आप उसे यहां से डिलीट कर सकते हो आंसर इज नो हो सकता है कहीं और आंसर इज नो हो सकता है कहीं और वो फंक्शनैलिटी दी गई हो बट यहां से नहीं कर पाओगे तो कहने का मतलब ये है क्या हम नॉर्मली जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो होते हैं कोई भी नया रजिस्ट्रेशन मैं इनडायरेक्टली बोलू तो कोई भी नए डेटा की आप अपनी एप्लीकेशन में एंट्री करो डेटा को अपडेट करो डेटा को डिलीट करो और डेटा को फेच करो सो क्रिएट डिलीट अपडेट एंड फेच तो ये चार ऑपरेशन नॉर्मली हम लोग करते हैं अपनी किसी भी एप्लीकेशन पे इन द सेम वे अगर आप एपीआई केस में भी देखेंगे तो नॉर्मली हम लोग चार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं नॉर्मली चार ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वन इज गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट बट पॉइंट इज क्या यही चार ऑपरेशन होते हैं आंसर इज नो एपीआई टेस्टिंग के अंदर और भी बहुत सारे मैथड इन ऑपरेशन को वी कॉल इट मैथड्स तो ये हमारे कॉमन मैथड्स हैं क्या है गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट नाउ क्वेश्चन कम्स क्या ये केवल चार मैथड होते हैं आंसर इज नो हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं वी कैन यूज़ क्या हमारी एपीआई को सपोर्ट देती है सपोर्ट करती है या नहीं करती मैं सिंपल एग्जाम्पल यहां पर दिखाता हूं अगर मैंने एक रजिस्ट्रेशन की एपीआई बनाई है तो ऑब्वियस है ऑब्वियस है तो ये एपीआई केवल नया डेटा अपलोड करने की ही या एंटर करने ही की ही परमिशन हमें देगी मतलब इस पर केवल एक ही मेथड चल रहा है जो नया डेटा एंटर कर रहा है ना आप उसे डिलीट कर सकते हो इस एपीआई के थ्रू ना उसे अपडेट कर सकते हो ना ही उसे फेच कर सकते हो तो यहां पर भी ऐसा होता है कि ये चार ऑपरेशन तो कॉमन आपको मिलेंगे गेट पोस्ट फुट डिलीट लेकिन इसके अलावा जो ऑपरेशन है वो कॉमनली आपको नहीं मिलेंगे uh, कहीं कहीं हमें उनको भी यूज करना पड़ता है बट नॉट ऑलवेज और ये भी यहां पर श्योर और ये भी आप समझ चुके होंगे कि ऐसा भी नहीं है कि हर एपीआई इन चार ऑपरेशन को सपोर्ट करेगी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन में केवल एक ही मेथड सपोर्ट होगा नया डेटा ऐड करना इसके अलावा इसके अलावा बाकी ऑपरेशन यहां पर सपोर्टेड बाकी मैथड यहां सपोर्टेड नहीं होंगे तो अब मैं आपको बताता हूं कि इन गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट का क्या मतलब है मैं सिंपली अपने उसी वर्ड पैड पर आता हूं और यहां पर हम स्टार्ट करते हैं तो पहला मैथड गेट गेट फेच इंफॉर्मेशन तो जहां पर भी आपको एक से इंफॉर्मेशन फेच करनी है जैसे आप गूगल पे जाते हो और गूगल पे मैंने लिखा टेस्टिंग और एंटर किया तो अल्टीमेटली वी आर फेचिंग सम इंफॉर्मेशन तो ये गेट ऑपरेशंस या गेट मेथड बोलते हैं उसे उस टास्क के लिए हम लोग गेट मेथड यूज करते हैं पोस्ट मींस एड न्यू इंफॉर्मेशन जब भी हमें कोई न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम में एड करनी है मैं हम लोग यूज करते हैं पोस्ट मेथड। तो अगर आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखोगे जब हम यहां पर डेटा भर के डेटा फिल करके सबमिट करते हैं अल्टीमेटली हम एक पोस्ट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं हम एक नया इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में एंटर कर रहे हैं मीन्स अपडेट हम लोग जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसे अपडेट कर रहे हैं जैसे मैंने ऑलरेडी एक मेंबर एक मेरे पास है मैं उसकी इंफॉर्मेशन या उसकी ई मेल आईडी को अपडेट करना चाहता हूं तो वीडियो पुट ऑपरेशन और आई ए पुट मैथड एंड डिलीट जैसे कि नाम से आप समझ सकते हो वी कैन डिलीट इन्फॉर्मेशन तो हम लोग इंफॉर्मेशन को फैच करने के लिए गेट मैथड यूज करेंगे नई इंफॉर्मेशन एड करने के लिए पोस्ट मेथड यूज करेंगे डेटा अपडेट करने के लिए पुट एंड डिलीट करने के लिए डिलीट मेथड डिलीट मेथड यूज करेंगे कैसे करेंगे? अब बिफोर मूविंग टू द एपीआई टेस्टिंग हमें इसके आर्किटेक्चर को समझना होगा यूआई के अंदर हम लोग जब भी अपने एपीआई टेस्टिंग करेंगे हमें एक आर्किटेक्चर मेंटेन करना पड़ता है सबसे पहले हमें अपना हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होगा प्रोजेक्ट के अंदर हमारे एक या एक से ज़्यादा टेस्ट स्वीट्स होंगे हर टेस्ट स्वीट्स के अंदर और टेस्ट रूट्स के अंदर हमारे एक या एक से ज़्यादा टेस्ट केसेस होंगे और हर टेस्ट केस के अंदर आपके एक या एक से ज़्यादा टेस्ट टैप्स हो, हो सकते हैं तो यहाँ पर हमने देखा आर्किटेक्चर वुड बी सबसे पहले आप प्रोजेक्ट बनाएंगे देन टेस्ट स्वीट बनाएंगे देन टेस्ट केस बनाएंगे एंड देन टेस्ट टेप बनाएंगे ओके okay. नाउ अब हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई हमें सोप पी यू में इस हर को फॉलो करना है नाउ वी विल मूव टू प्रैक्टिकल ए पी आई टेस्टिंग यूजिंग सो यू उसके लिए मेरे पास कुछ सैम्पल ए हैं तो मैं उन ए को ओपन करता हूँ यहाँ पर हम लोगों के कुछ ए हैं एंड दीज आर दल ए पी सो यू कैन यूज़ इट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास जितनी भी ए हैं उनके आगे उनका मैथड दिखा हुआ है तो अब आप समझ सकते हैं दिस इज़ द ए जिसके थ्रू मैं एक नया स्टूडेंट एनरोल कर सकता हूँ दिस इज़ द ए जिसके थ्रू हम स्टूडेंट की डिटेल फेच कर सकते हैं दैट इज आई जिसके थ्रू स्टूडेंट की डिटेल अपडेट कर सकते हैं एंड दट इज आई पी आई जिसके थ्रू आप स्टूडेंट डिटेल्स को डिलीट कर सकते हो तो आई स्टार्ट विद पोस्ट ए पी आई बिकॉज सबसे पहले सबसे पहले हम ए, एक नए स्टूडेंट को एनरोल करेंगे देन उसकी डिटेल को फैच अपडेट एंड डिलीट करेंगे तो सबसे पहले आई जस्ट मूव टू दिस हमने देखा जब भी हमें ए पी आई टेस्टिंग करनी है वी नीड एंड पॉइंट तो अब कैसे हमें एंड पॉइंट यूज करना है एंड पॉइंट में दो सेक्शंस होते हैं बेस यू आर एल प्लस रिलेटिव यू आर एल बेस यू आर एल हम अपनी साइट का फेच करेंगे टिल डॉट कॉम या वट एवर द बेस यू आर एल यू गॉट ऑफ योर सर्वर तो जो भी हमें सर्वर का बेस यू मिला है वो हम यूज करेंगे इन मेरे केस में दैट इज माई सर्वर बेस यू एंड दैट इज द रिलेटिव यू सो आई जस्ट कॉपी एंड पेस्टेड सो नाउ आई हैव अ कंप्लीट एंड पॉइंट फॉर ए पोस्ट रिक्वेस्ट मीन्स यहां पर हम पोस्ट के थ्रू एक स्टूडेंट को एनरोल करेंगे एंड दैट इज द एंड पॉइंट फॉर दिस एंड अगर आप नोटिस करो यहां पर इंफॉर्मेशन है कि जब भी आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी है आपको यू में कोई भी पैरामीटर नहीं देना बट आपको बॉडी में इस फॉर्मेट में इनपुट रिक्वेस्ट भेजनी है सो so मैंने जस्ट कॉपी किया और आई जस्ट ओवर हियर। नाउ वी विल मूव टू सोपीआई अब हम मूव करेंगे सो पी यू पे एंड वहां पर अपना टास्क स्टार्ट करेंगे मैं ये विंडो क्लोज करता हूँ दैट इज़ माई सो यू विंडो जैसा कि मैंने आपको बताया सो यू में काम करने के लिए हमें एक हर की फॉलो करनी पड़ती है अब वो हम हर की बनाएंगे तो सबसे पहले मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है प्रोजेक्ट बनाने के लिए वी हैव दीज ऑप्शनस क्या आप सोप सर्विस टेस्ट करोगे या रेस्ट तो हमारे केस में हमारी रेस्ट ए है तो आई मैं सिंपली रेस्ट पर क्लिक करता हूँ इट इज़ आस्किंग फॉर वन यू आर एल तो जब भी हम सोप पी यू आई के अंदर कोई भी ए पी आई टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे उसके लिए हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है जब भी हम रेस्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो हमसे एटलीस्ट वन एंड पॉइंट मांगेगा तो अभी इसने एक एंड पॉइंट मेरे से बोला है कि जस्ट गिव मी द यू आर एल ऑफ़ योर एनी ए पी आई विच यू वॉन्ट तो टू टेस्ट तो इन आर केस दैट इज द यू आर एल मैंने सिंपली कॉपी किया एंड जस्ट पेस्टेड ओवर हेयर जैसे आपने पेस्ट किया क्लिकोन ओक के इट विल क्रिएट अ न्यू रेस्ट प्रोजेक्ट इफ यू नोटिस दैट्स अ रेस्ट प्रोजेक्ट अभी इसने एक सिंपल नेम दे दिया है वी कैन चेंज इट तो मैं सिंपली इस पर जाता हूँ राइट क्लिक एंड री नेम आई वॉन्ट टू गिव लाइक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो मैंने एक प्रोजेक्ट एक रेस्ट प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है सिंपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर अभी हमने एक एंड पॉइंट ऐड किया है यह एंड पॉइंट स्टूडेंट को ऐड करने का है बट हमें यहां पर कुछ चेंजेस करने होंगे क्या अगर आप देखें तो यह एक रिक्वेस्ट होगी हमारी लेकिन इसमें जो मेथड होगा दैट विल बी पोस्ट तो फर्स्ट चेंज हमें यहाँ पर जो मेथड होगा ये एक पोस्ट मेथड होगा बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज़ टेकिंग गेट बट हमें वो चेंज करना है रीजन हमारी रिक्वेस्ट स्टूडेंट को ऐड करने के लिए है ये ए या ये एंड पॉइंट एक नया स्टूडेंट एनरोल करने के लिए है एंड वी नो जब भी हमें कोई नया इंफॉर्मेशन ऐड करना है वी आर गोइंग टू यूज पोस्ट मेथड, सो अगर आप ये रिक्वेस्ट देखेंगे तो मैं इसमें नाम चेंज कर देता हूँ एंड आई एम जस्ट गिविंग द नेम एड न्यू स्टूडेंट तो अभी मैंने एक एंड पॉइंट ऐड किया इसी तरीके से हम मल्टीपल एंड पॉइंट्स इस प्रोजेक्ट में एड करेंगे वेन एवर वी वॉन्ट टू टेस्ट एनी ए पी आई तो जब भी मुझे कोई ए पी आई मिलेगी उसका एंड पॉइंट मिलेगा टेस्टिंग के लिए तो हम लोग उसे इस प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे ओके एज ऑफ नाउ वी हैव ए प्रोजेक्ट after that I need to create a test suite so if you hierarchy was project, test suite test case and test step so I simply right click karta and I am just going for new test suite just simply right click on the project and we have the option of new test suite you can call it test suite or test suite what is the name you want to give for this test suite मैं कोई भी नाम दे सकता हूं मैंने नाम दिया स्मोक टेस्टिंग यू कैन गिव एनी नेम इस टेस्ट स्वीट के अंदर आई वॉन्ट टू क्रिएट टेस्ट केस तो टेस्ट स्वीट पर राइट क्लिक न्यू टेस्ट केस जो भी नाम देना है आप दे सकते हैं टी सी जीरो जीरो वन इज माई टेस्ट केस सो नाउ वी हैव अ टेस्ट केस एज वेल तो अगर आप देखेंगे तो सो पी वाई के अंदर वी हैव टू फॉलो हर आर की फर्स्ट प्रोजेक्ट देन टेस्ट स्वीट देन टेस्ट केस

तो हमें जो स्टेप ऐड करना है वो रेस्ट रिक्वेस्ट का करना है ओके okay. इसका क्या नाम देना चाहते हो आप मैंने नाम दिया एड स्टूडेंट डेटा आप इस स्टेप का नाम कुछ भी रख सकते हो मैंने जस्ट क्लिक किया ओके okay पे नाउ अभी हमें बताना होगा कि किस एंड पॉइंट को आप हिट करना चाहते हो तो इफ यू रिमेंबर दैट वाज द एंड पॉइंट और रिक्वेस्ट यू एडेड इन द प्रोजेक्ट आई सेड यस क्लिक ऑन ओके अगर आप देखोगे तो जो एंड पॉइंट हमने ऐड किया था पोस्ट एपीआई के लिए उसकी रिक्वेस्ट यहाँ पर ऐड हो गई है एंड इफ यू वांट टू मेक श्योर यहां पर पोस्ट आ रहा है इफ यू वांट टू मेक श्योर एंड पॉइंट इज करेक्ट हेयर नो एज वी नो जैसा कि हमें पता है पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए हमें बॉडी सेंड करनी है एंड दैट वॉज आर बॉडी सो आई जस्ट सिंपली कॉपी दिस एंड इफ यू नोटिस इन दिस रिक्वेस्ट वी आर गेटिंग दिस बॉडी सेक्शन सो जस्ट राइट द बॉडी ऑलरेडी सिलेक्टेड है जेसन फॉर्मेट दैट्स ओके अब हम अपना डेटा अपडेट कर देंगे तो मैं इस पोस्ट ए पी आई में अपना डेटा सेंड करना चाहता हूँ मै मैं अपना टेस्ट डेटा ऐड कर दूंगा लाइक माई टेस्ट डेटा इज फर्स्ट नेम इज टेस्टिंग मिडिल नेम इज ई लास्ट नेम आई वॉन्ट टू पुट वर्ल्ड डेट ऑफ बर्थ आई वॉन्ट टू सेट ट्वेल्व ट्वेल्व वन नाइन नाइन जीरो एवरी थिंग इज डन फॉर दिस एपीआई जिसमें हमें यू आर एल एड करना है वी आर ऑलरेडी रन दिस नाउ एवरीथिंग इज डन दैट इज द रन बटन अब मैं इस रिक्वेस्ट को रन करूंगा यह रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी एंड वी शुड गेट आर रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर तो आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस स्टेप एज ऑफ नाउ दिस इज द स्टेप विच वी आर एग्जीक्यूटिंग एज वी एग्जीक्यूट वी गॉट अ रिस्पॉन्स ऑन द राइट हैंड साइड एंड हमें पता है कि हमारा रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में होगा तो आई जस्ट सेलेक्ट जेसन इफ यू नोटिस हेयर अ न्यू स्टूडेंट इज एनरोल्ड और एडिड एंड दैट इज द आई डी ऑफ दैट एनरोल्ड स्टूडेंट तो यहाँ हमने देखा कि जब भी हमें एपीआई टेस्टिंग करनी है सो पी के थ्रू सबसे पहले हमें उसका एंड पॉइंट चाहिए जब हम एंड पॉइंट बना लेंगे देन क्या हमें बॉडी सेंड करनी है अब इफ़ यस तो हमें उसका फॉर्मेट चाहिए तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं हमने उस एंड पॉइंट को अपने प्रोजेक्ट में ऐड किया एंड एंड बॉडी सेट कर दी तो आप यहां पर यहां पर हम लोगों ने एक पोस्ट रिक्वेस्ट को टेस्ट किया है ओके नाउ सिंपली मूव टू माई वेबसाइट तो अभी हमने देखा कि हाउ टू मेक ए पोस्ट रिक्वेस्ट नाउ आई शो यू हम गेट कैसे गेट रिक्वेस्ट कैसे करेंगे मींस आई वांट टू फेच स्टूडेंट डेटा अब हम स्टूडेंट के डेटा को फेच करेंगे तो ये मेरी गेट रिक्वेस्ट है आई सिंपली गो ओवर देयर ये यूआरएल पहले बनाएंगे हम लोग तो दैट इज अ बेस यू तो मैं वहीं पर ही कॉपी करूं, करूंगा अब मुझे गेट रिक्वेस्ट हिट करनी है दैट माई बेस यू आर एल एंड दैट इज माई रिलेटिव यू आर एल सो नाउ वी हैव ए कंप्लीट यू आर एल एंड पॉइंट नाउ वी नीड टू चेक क्या हमें इनपुट में क्या सेंड करना है तो इफ यू नोटिस इट सेज इनपुट में इन रिक्वेस्ट हमें यू आर आई पैरामीटर डालना है मीन्स यू आर एल में हमें इनपुट वैल्यू देनी है लाइक आई डी यहाँ पर इसके अलावा हमें बॉडी में कोई भी वैल्यू सेंड नहीं करनी तो व्हाट वी डू मैं सिंपली इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ बिकॉज हमें कोई हमारे पास कोई रिक्वेस्ट बॉडी नहीं है तो आई जस्ट सिंपली कॉपी दिस यूआरएल और एंड पॉइंट जस्ट गो टू सोप यू आई पर हमारे पास एक और एंड पॉइंट है जिसकी हम टेस्टिंग करना चाहते हैं जिसको हम चेक करना चाहते हैं बट सबसे पहले क्या हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे आंसर इज नो प्रोजेक्ट ऑलरेडी आपके पास है उसी में ही आप इस एंड पॉइंट को ऐड करोगे कैसे जस्ट राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट वी विल गेट ऑप्शन ऑफ सिंपली राइट क्लिक और यहाँ पर हमें ऐड करना है न्यू रेस्ट सर्विस फ्रॉम यू आर आई तो अब मैं एक और सर्विस टेस्ट करना चाहता हूँ जिसका ये यू है जैसे ही क्लिक करेंगे ओके इट विल ऐट दैट अगर आप देखेंगे तो डिफॉल्ट ये गेट मेथड ले रहा है डबल क्लिक ऑन दिस तो इसने गेट मेथड दिखाया यस दैट्स अ गेट रिक्वेस्ट क्या आप इस रिक्वेस्ट का नाम चेंज करोगे यस आई वॉन्ट चेंज इट आई वॉन्ट टू मेक इट गेट डेटा ये हम नाम क्यों चेंज कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप नोटिस करोगे तो यू आर एल बेस यू आर एल इज सेम तो लेटर ऑन बहुत सारे यू आर एल जब आप एड कर दोगे एंड पॉइंट एड कर दोगे तो कोई कन्फ्यूजन ना हो तो वी कैन ईजली अंडरस्टैंड ओके दैट इज रिक्वेस्ट फॉर एडिंग ए स्टूडेंट दैट इज फॉर फैचिंग द डेटा सो इट विल बी ईजी फॉर एस टू वर्क काम करना आसान हो जाएगा अगर हमें पता है कौन कौन सी रिक्वेस्ट किस काम के लिए है अब ऑलरेडी मैंने गेट को ऐड कर दिया आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू टेस्ट केस ऑफ गेटिंग द डेटा तो मैं सिंपली आता हूं न्यू टेस्ट केस टी सी जीरो जीरो टू एंड इसके अंदर हम डेटा फेच करके देखेंगे तो ये मेरा टेस्ट केस है टेस्ट केस के अंदर आई एड स्टेप वाट काइंड ऑफ स्टेप रेस्ट रिक्वेस्ट क्योंकि हम एक रेस्ट रिक्वेस्ट ऐड करने वाले हैं तो रेस्ट रिक्वेस्ट गेट डेटा आई एल से गेट स्टूडेंट डेटा जस्ट ये मैंने इस रिक्वेस्ट का नाम दे दिया कोई भी नाम हो सकता है किस ए को हिट करना चाहते हो तो इफ यू नोटिस नाउ यू कैन ईजली गेट इंफॉर्मेशन ओके आई वॉन्ट दिस ए पी आई टू बी टेस्टेड और आई से दिस एंड पॉइंट टू बी टेस्टेड बिकॉज हम लोगों ने अलग अलग एड किया है मैंने सिंपली सिलेक्ट किया ओके okay. अब आप देखें तो यहां पर एक गेट रिक्वेस्ट एड हो गई है दैट इज अर एल लेकिन यहां पर ये यह ऑटोमेटिकली हमें शो कर रहा है कि आपके यू आर एल में एक पैरामीटर जाएगा विच इज आई डी आपने उसकी वैल्यू अभी नहीं दी तो यू कैन पुट एनी वैल्यू अभी आप देखेंगे तो प्रीवियसली वी हैव एडेड ए स्टूडेंट जिसकी आईडी जनरेट हुई नाइन जीरो थ्री वन सिक्स आई जस्ट कॉपी एंड गिव दैट वैल्यू मीन्स आई वॉन्ट टू फेच हम यहां पर सेम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे जो हमने अभी रिसेंटली एड किया है जस्ट एडेड ये मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं स्टेप को यू विल नोटिस राइट ऑन द राइट हैंड साइड हमारा जो रिस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्मेट में होगा जस्ट सिंपली गो टू द जेसन अगर आप देखेंगे तो वी आर गेटिंग डेटा इन द रिस्पॉन्स एंड यू कैन वेलीडेट फर्स्ट नेम वॉज टेस्टिंग सेकेंड मिडिल नेम वॉज ई लास्ट नेम वॉज वर्ल्ड दैट इज माई डेट ऑफ बर्थ तो ये चीजें आप वेलिडेट कर सकते हो लेटर ऑन आई शो यू हाउ वी कैन पुट वैलिडेशन ऑन दैट तो अभी हमने देखा हाउ टू मेक ए गेट रिक्वेस्ट हाउ टू मेक ए पोस्ट रिक्वेस्ट नेक्स्ट टाइम कमिंग टू अब मैं आपको शो करूंगा पुट रिक्वेस्ट मीन्स आई वॉन्ट टू अपडेट डेटा सो होप यू रिमेंबर पुट का मतलब था डेटा अपडेट अगेन वी विल गो टू दिस ए पी आई विच इज़ फॉर अपडेटिंग डेटा सिम्पली कॉपी यू आर एल तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि किसी भी टाइप के रिक्वेस्ट के लिए फर्स्ट वी नीड यू आर एल एंड देन पैरामीटर और बॉडी मीन्स वट एवर द डेटा मीन्स जो भी डेटा हमें इनपुट में सेंड करना है तो मैंने सिम्पली एक बोला दैट्स अ पोस्ट दैट्स अ पुट रिक्वेस्ट दैट्स आ यू आर एल एंड ये मेरा रिलेटिव यू आर एल हो गया तो ये मेरा कंप्लीटली एंड पॉइंट रेडी है अगर मैं यहां पर आता हूं तो इफ़ यू कैन सी दैट इज माई बॉडी तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये पुट रिक्वेस्ट में बोल रहा है कि आपको रिक्वेस्ट में यू आर एल में भी डेटा भेजना है और रिक्वेस्ट की बॉडी भी जाएगी

पहले मुझे उसका मेथड चेंज करना है तो मैं इस पर सिंपली जाता हूँ दिस टाइम आई विल यूज़ पुट मैथड एक चीज हमें याद रखनी है ये मैथड हमें ए ऐड करने के बाद ही सिलेक्ट करना है अगर आपने एक बार ये मैथड फाइनल कर लिया तो टेस्ट केस में वही मैथड यूज़ होगा मतलब अगर मैंने एक यू आर एल डाला एंड पॉइंट यहाँ पर एड किया और उसे गेट छोड़ दिया तो टेस्ट केस में आप उसे अपडेट नहीं कर सकते हमें यहाँ पर एंड पॉइंट डालने के बाद अपना मैथड बताना होगा ओके okay? अब अगर आप देखेंगे तो अगेन वही ये रिक्वेस्ट का क्या नाम देना चाहते हो आप आई एम जस्ट चेंजिंग अपडेट डेटा ओके ऑलरेडी हमने ये ऐड कर दिया है एंड पॉइंट हमने प्रोजेक्ट में ऐड कर दिया मैं सिंपली जाता हूँ and I will create one more test case. ये मेरा test case third है Again मैं इसमें step add करूँगा मेरा एक rest request add कर रहा हूँ क्योंकि हमारी rest API की testing है Update data। आप किस API को hit करना चाहते हो किस एंड पॉइंट को आप hit करना चाहते हो तो अगर आप देखेंगे तो मैं सिलेक्ट करता हूँ सिंपल अपडेट डेटा ओके बट यहाँ एक बग है इफ आई शो यू मैंने सेलेक्ट किया था अपडेट वाला अपडेट डेटा मींस अपडेट वाला एंड पॉइंट बट अगर आप देखें तो यहाँ पर तो ये सिंपल गेट दिखा रहा है अभी भी ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है कि अगर आप नोटिस करो गेट और अपडेट इन दोनों में रिक्वेस्ट बिल्कुल कॉमन है बेस यू भी कॉमन है और यह रिक्वेस्ट भी कॉमन है तो इस प्रॉब्लम के लिए जो अभी हमने देखी उसके लिए हमें थोड़ा रिनेम करना चीजें रिनेम करनी पड़ेंगी क्यों अगर आप नोटिस करो गेट और पुट दोनों का बेस यू भी सेम है और रिलेटिव यू भी सेम है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें रीनेमिंग को फॉलो करना पड़ेगा तो रीनेमिंग मींस जहां पर भी ये मैथड आपको दिखा रहा है गेट पुट इनको रीनेम करो सिंपली मैं यहां पर गया राइट क्लिक रीनेम गेट डेटा और यहां पर पुट के केस में जहां भी ये पुट दिखा रहा है रीनेम अपडेट डेटा ओके अब मैं सिंपली रिमूव करता हूं स्टेप को अपने टेस्ट केस से ट्राइट अगेन दोबारा ऐड करने की कोशिश करता हूँ राइट क्लिक ऐड डेटा रेस्ट रिक्वेस्ट अपडेट स्टूडेंट डेटा ओके विच ए पी आई यू वॉन्ट टू हिट तो दैट वॉज द ए पी आई मैंने सेलेक्ट किया ओके okay. अगर आप देखेंगे तो अब वो करेक्ट रिक्वेस्ट को लेके आ रहा है यू कैन चेक इट पुट आप यू आर एल चेक कर सकते हो नाउ एज वी नो पुट के केस में हमें रिक्वेस्ट में बॉडी सेंड करनी है तो आई जस्ट सिंपली कॉपी द बॉडी एंड पेस्टेड ओवर हेयर बट अगर आप देखोगे तो हमें आई सेंड करनी है जो स्टूडेंट हमने एड किया हुआ है केवल उसका डेटा हम अपडेट कर सकते हैं तो हमें आईडी उसी स्टूडेंट की सेंड करनी है जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में हो तो उसके लिए मैं सिंपली आता हूं और दैट वाज द आईडी एक चीज़ जो आप और नोटिस करोगे यहां पर मैंने आईडी पास कर दी एक चीज आप और नोटिस करोगे यहां पर रिक्वेस्ट इज ऑलमोस्ट सेम व्हाट वी हैव इन पोस्ट पुट की रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होगा बट वी हैव टू सेंड अपडेटेड डेटा मींस व्हाट डेटा वी वांट टू अपडेट जो भी डेटा हमें अपडेट करना होगा वो फिल कर देंगे तो पहले मैंने क्या किया पोस्ट वाले डेटा को कॉपी किया दैट वॉज द डेटा वी आर सेंडिंग इन द पोस्ट अब मैंने इसे यहां पर रखा तो अभी यहां पर सारा डेटा वो है जो हमने पोस्ट में सेंड किया था बट जो डेटा आपको अपडेट करना है लाइक आई वॉन्ट टू अपडेट मिडिल नेम तो मैंने इसमें कर दिया लाइक ई डब्ल्यू आई वॉन्ट टू अपडेट लास्ट नेम मैंने चेंज कर दिया लाइक like दिस तो अब आई एम मेकिंग ए पुट रिक्वेस्ट जिसमें आप सेम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो जो हमने पोस्ट में की, की थी बट विद द अपडेटेड डेटा वन मोर थिंग पोस्ट में वो हमसे यू आर एल में भी डेटा मांग रहा है आई डी मांग रहा है और बॉडी में भी तो हमें दोनों जगह एड करनी है मैं सिंपली क्लिक करता हूँ तो आप नोटिस करोगे वी गेट ए रिस्पॉन्स डेटा अपडेट सक्सेस बट नाउ द क्वेश्चन इज कैसे वेरीफाई करूँ क्या वो डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ तो यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम लोग वापस गेट रिक्वेस्ट पे जाएंगे एंड विल जस्ट एग्जीक्यूट अगेन तो अगर आप देखोगे तो उस स्टूडेंट के डेटा को हमने दोबारा फेच किया यूजिंग गेट रिक्वेस्ट और दैट शोज और अगर आप रिस्पॉन्स देखेंगे तो वी आर गेटिंग अपडेटेड रिस्पॉन्स मींस यस डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली नाउ I'll come to fourth type of request, which is delete, जैसे कि name से भी पता है, delete करने के लिए use होगा. Again, base URL. Now I'll come to the delete. That's my base URL. And that is the relative URL. Again हम देखते हैं कि हमें कोई body भी send करनी है. तो यहाँ पर it says request में आपको URL में तो id send करनी है. बट बॉडी इज नथिंग तो जस्ट सिंपली कॉपी दिस मूव टू द सोप यू आई अगेन सबसे पहले एंड पॉइंट एड कर देंगे एडेड और सेम प्रॉब्लम बिकॉज यहां पर भी हो सकता है यू आर एल का आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट सेम हो तो वी विल चेंज द नेम तो यहां पर सबसे पहले मैथड पे जाएंगे वट एवर द नेम यू आर गिविंग तो मैंने इसे पहले सबसे पहले मैथड मैंने डिलीट कर दिया फिर मैंने इसका नाम चेंज कर दिया लाइक like, रीनेम तो जहाँ पर भी ये मैथड नेम लिखा आ रहा है उसको रीनेम करना मैंडेटरी है अब हमारे लिए तो मैंने इसे कर दिया डिलीट ओके okay? अब मुझे इस ए को अपने टेस्ट केस में यूज करना है तो आई एम सिंपली गो एंड क्रिएट ए न्यू टेस्ट केस यहां पर टेस्ट केस के अंदर मैं आता हूं एड स्टेप व्हाट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट इट्स ए रेस्ट डिलीट डेटा अगेन आई सिलेक्टेड नाउ दिस इज फॉर डिलीट तो मैंने उसे सिलेक्ट किया एड वी आर गेटिंग डिलीट रिक्वेस्ट डी ई एल द मैथड येस दैट्स करेक्ट रन इट here in the response it shows request is invalid क्यों because we did not pass id तो so, hope you remember जब भी हमें किसी student को delete करना है we should pass the id so I'll just come over here and updated the id which will go जो as a url में जा जो url में जाएगी अब मैं दोबारा run करता हूँ delete data success मतलब data is deleted तो अभी हमने देखा हाउ टू मेक ए गेट पोस्ट पुट डिलीट तो ये हमारे चारों मेथड्स थे जो हमने प्रैक्टिकली कवर किए नाउ विल शो यू हाउ वी कैन ऐड वेरिफिकेशन ओके बिफोर गोइंग टू द वेरिफिकेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन मीन्स अभी जब भी हमने रिक्वेस्ट सेंड की वी गॉट ए रिस्पॉन्स बट वी डिड नॉट वैलिडेटेड द रिस्पॉन्स अभी हमारे पास रिस्पॉन्स में कोई डेटा आया बट हमने उसे वैलिडेट तो किया ही नहीं अब हम वो वैलिडेशंस लगाएंगे वी कॉल इट वेरिफिकेशन वैलिडेशन और असर्शन तो इट मीन्स वी आर कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट किसी भी रिक्वेस्ट पे आप ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशन लगा सकते हैं सो आई जस्ट सिंपली गो टू गेट ओके ये मेरी गेट रिक्वेस्ट है रिस्पॉन्स वी गॉट अगर आप बॉटम पे देखेंगे तो वी गेट ए टैप विदर्शन पर आप एक्चुअल डेटा से एक्सपेक्टेड को कंपेयर करेंगे सिंपली क्लिक ऑन दिस क्लिक ऑन एड यहां आपको बहुत सारे वेरिफिकेशन मिलेंगे या वैलिडेशन मिलेंगे असर्शन मिलेंगे किस असर्स को असर्शन को आप लगाना चाहते हो तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैं स्टेटस कोड चेक करूंगा तो जब भी हम एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वी गॉट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स में एक स्टेटस कोड होता है तो पोस्ट के केस में स्टैंडर्ड स्टेटस कोड है 201 बाकी गेट डिलीट एंड पुट के केस में स्टेटस कोड होता है 200 तो अभी मेरी ये जो रिक्वेस्ट है ये एक गेट रिक्वेस्ट है तो मैंने बोला आई एम एक्सपेक्टिंग टू हंड्रेड एज ए स्टेटस कोड जैसे ही मैंने ऐड किया इट शोज़ यस इट वॉज़ करेक्ट अगर आप इसे एग्जीक्यूट करो स्टिल दिस असर्शन इज गेटिंग पास्ट बट अगर आप इसे कुछ चेंज कर दो ओके okay, मैं जस्ट सिंपली असर्शन पे गया डबल क्लिक एंड मैं बोल, मैंने बोला आई एम एक्सपेक्टिंग 203, ओके okay, अगर आप इसे रन करोगे इट विल फेल बिकॉज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 203, बट इन रिस्पॉन्स इट इज़ 200. तो आप कोई भी स्टेटस कोड वैलिडेट कर सकते हो तो दैट इज माय वन असर्शन इसके थ्रू हम कितने भी असर्शन लगा सकते हैं तो आप सिंपली आओगे और ऐड। अभी एक और असर्शन है जिस, जिसके अंदर हम बॉडी चेक करेंगे कंटेंट चेक करेंगे तो कंटेंट चेक करने के लिए पहला असर्शन है कंटेंट्स। तो आई एम सेइंग इन रिस्पॉन्स आई शुड गेट वर्ड मुझे वर्ड मिलना चाहिए अभी वो वर्ड नहीं आ रहा बिकॉज आपको याद होगा वो स्टूडेंट ऑलरेडी डिलीट हो चुका है ओके व्हाट वी डू मैं एक बार पोस्ट दोबारा चलाता हूँ जैसे आपने पोस्ट चलाया वी गॉट नाइन जीरो थ्री वन एट इसको मैं यहां पर अपडेट कर देता हूँ एंड जस्ट एग्जीक्यूट अब आपका सेशन पास होना शुरू हो गया बिकॉज इन रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग दिस वर्ल्ड तो जब भी आपको बॉडी में कोई कंटेंट चेक करना है यू कैन यूज कंटेंस असर्शंस तो अभी हमने देखा एक असर्शन विच इज स्टेटस कोड दूसरा देखा कंटेंस ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे असर्शंस हैं जो हम यूज कर पाएंगे मीन्स बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम डेटा रिस्पॉन्स डेटा को चेक कर पाएंगे बट अभी इस कोर्स में आई शो यू ओनली टू असर्शन विच इज कंटेन्स एंड स्टेटस कोड नेक्स्ट टाइम कमिंग टू हाउ वी कैन सेव रिक्वेस्ट फॉर द रिग्रेशन टेस्टिंग एंड हाउ वी कैन गो फॉर द एग्जीक्यूशन तो जब भी आप अपना पूरा टास्क कंप्लीट कर लोगे अपने टेस्ट केस क्रिएट कर लोगे यू कैन सिंपली सेव योर प्रोजेक्ट तो यू कैन जस्ट गो राइट क्लिक सेव प्रोजेक्ट एज यू कैन गिव एनी नेम एंड सेव इट एनी वेयर तो आपने यह सेव कर लिया है लेटर ऑन अगर आप कभी भी उससे चाहो तो उस प्रोजेक्ट को वापस इम्पोर्ट कर सकते हो तो सेव एंड इम्पोर्ट मतलब हम सेव करेंगे और यूज करेंगे नौ क्वेश्चन कम्स अभी हमने ये टेस्ट के सेव किए हैं बनाए हैं सेव किए हैं बट कल मुझे रिग्रेशन टेस्टिंग करनी है तो इन्हें एग्जीक्यूट कैसे करूंगा वन ऑप्शन इज दैट यू कैन सिंपली ओपन ईच एंड एवरी टेस्ट केस एंड जस्ट ट्राई टू हिट इट ट्राई टू हिट ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट बट दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच आप जो एग्जीक्यूशन करोगे वो आप स्टेप का एग्जीक्यूशन कर सकते हो बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन सिंपली गो टू द टेस्ट केस बिकॉज एक टेस्ट केस के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं तो यू कैन सिंपली गो टू द टेस्ट केस एंड एग्जीक्यूट दैट तो आप या तो एग्जीक्यूशन अपने टेस्ट स्टेप का करो या आप अपने एग्जीक्यूशन टेस्ट केस का भी कर सकते हो ऑल्सो अगर आपके पास बहुत सारे टेस्ट केस हैं तो आप सिम्पली अपने टेस्ट सूट की विंडो पर जाओ डबल क्लिक करो टेस्ट सूट पर जाओ डबल क्लिक करो और पूरे टेस्ट सूट को एग्जीक्यूट कर दो इफ यू नोटिस नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग टेस्ट सूट एंड ऑल द केसेस ऑफ द टेस्ट सूट एग्जीक्यूटेड तो यहां आई कैन से यहां पर हम देख सकते हैं क्या या तो आप स्टेप एग्जीक्यूट करो स्टेप एग्जीक्यूट हम तब करते हैं जब हम स्टेप को एड करते हैं मीन्स जब हम टेस्ट केस बना रहे होते हैं अगर आपको एक टेस्ट केस के अंदर मल्टीपल स्टेप है और एक टेस्ट केस को टेस्ट करना है तो सिंपली टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आप सारे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना चाहते हो मींस रिग्रेशन रिग्रेशन में हम लोग लगभग सभी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली स्वीट लेवल पे आए और उसे एग्जीक्यूट कर दिया तो यहां हमने देखा हाउ टू सेव एंड हाउ टू एग्जीक्यूट सो होपफुली यू फाइंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव ऑल्सो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो हम चैनल को क्लिक ऑन यहां पर आपको बहुत सारी प्ले लिस्ट मिलेंगी विच रिलेटेड like जैसे कि अगर आप जीरा पे काम कर रहे हो वेरी ऑफ द जीरा रेडी एपीआई फॉर दी आई टेस्टिंग ये एक बहुत बहुत पॉपुलर टूल है एपीआई टेस्टिंग के लिए इन द सेम वे यू विल गेट लॉट ऑफ विडियोज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स टूडे Thanks for watching this video.